गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर जहां देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहीं पलवल में पिछले 54 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ने दिल्ली जाने की मंजूरी नहीं दी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच पिछले 3 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। लिहाजा अब पुलिस कमिश्नर की ओर से साफ कह दिया गया है कि पलवल के किसानों को दिल्ली में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तो कुछ देना ही नहीं चाह रहे हमें रास्ता। हमने कह दिया हमारा सीधा रास्ता रोजाना का आने जाने का देखा हुआ रास्ता है, ये आश्रम तक हमारा सीधा फरीदाबाद होकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, फरीदाबाद शहर से गुजर के टोल से पार करके बदरपुर पार करके और आश्रम तक जाना चाहते हैं। ये हमने प्रपोजल लिख करके दे दी, लेकिन उसके बाद जीरो से भी माइनस जीरो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारा अधिकारियों के साथ बैठक में थे, वहाँ क्या हुआ वो बताइए। वहाँ यही कुछ भी नहीं हुआ, केवल हम कहते रहे कि आप हमें रूट बता दीजिए कि हमें कहाँ तक जाना है, नहीं बताया गया। हमने बता दिया अपना, अगर कहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि यदि ठीक नीयत होती और ये होता कि पलवल का किसान वहाँ जाना चाहिए, गणतंत्र दिवस पे खुशी मनानी चाहिए, तो सीपी फरीदाबाद को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके और हमें बताते, हम उम्मीद करके आए। कौन सी यूनियन आपके साथ है? कौन कौन सी यूनियन आपके साथ है? देखिए, सीपी फरीदाबाद थे, डीसी फरीदाबाद, डीसी पलवल, एसपी पलवल, हेडक्वार्टर डीसीपी अर्पित जैन और जितने भी यहाँ सेंट्रल एनआईटी जो भी डीसीपी थे सारे अधिकारी थे और अपने इनके क्राइम के अधिकारी भी थे, पूरे अधिकारियों की टीम थी। लेकिन हमें जो रिजल्ट आया वो 0%। कौन कौन सी यूनियन आपके साथ है? कौन कौन सी मोर्चा की तरफ से है जी? संयुक्त किसान मोर्चा। कहाँ के किसान आपके साथ शामिल हैं? सब जगह। नहीं, हमारे तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र है, एमपी है और तेलंगाना है, सारे किसान हमारे पास 10 स्टेटों के, उड़ीसा है। अभी आपका जत्था कहाँ पे रुका हुआ है? पलवल, हमारा पलवल जमा हुआ है, हमारा 54 दिन से हमारा पलवल जमा हुआ है। बता दें कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पलवल में धरने पर बैठे किसानों ने फरीदाबाद से बदरपुर के रास्ते आश्रम से होते हुए दिल्ली जाने का फैसला लिया है, लेकिन पुलिस की ओर से मथुरा हाईवे से दिल्ली जाने की इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन की इस सख्ती से किसानों में भारी रोष है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर दिल्ली हर कीमत पर जाएंगे और परेड में हिस्सा भी लेंगे। अब देखना यह होगा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली पहुंच पाती है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।